प्रदेश की धामी सरकार में बीजेपी नेताओं को नए दायित्वों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी मुख्यालय देहरादून में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के नव नियुक्त उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, उत्तराखंड राज्य बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष बलराज पासी समेत अन्य नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दो बार की सरकार, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, पराक्रम और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से सरकार और 2024 में फिर से जो है मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने जा रही है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी के नाते से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, संगठन मंत्री अजय जी और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसने निर्णय लिया है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी जाएं और अभी शुरुआत हुई है। मैं समझता हूं कि हर कार्यकर्ता के पास कोई ना कोई जिम्मेवारी रहनी चाहिए और मुझे भी एक जिम्मेवारी दी गई है और पहले भी मैं बीज प्रमाणीकरण में अध्यक्ष रहा हूं। पार्टी ने इतनी जिम्मेदारी दी है, सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विकास का नया विजन है, प्रधानमंत्री जी के नए भारत का जो सपना है, उसको साथ लेकर एक सहयोगी के रूप में आम जन तक जन कल्याणकारी नीतियों का सही व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, इसमें एक सहयोगी के रूप में मैं भी काम करूंगा ताकि आने वाले समय में जो उत्तराखंड हमारा प्रदेश भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार हो, यही लक्ष्य रहेगा, यही प्रयास।